आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान और चाइना के अलग अलग डेवलपमेंट के बाद में भारत एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को इम्पोर्ट करने पे मजबूर हो जाएगा। आप सभी को याद होगा कि हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया सर की तरफ से कहा गया था कि भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इम्पोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उनके उस स्टेटमेंट के बाद में चीजें बदल चुकी हैं और आज की तारीख में भारत के लिए थ्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने 150 यानी कि 150 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। हालांकि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इस फाइटर जेट को फिफ्थ जनरेशन नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये फाइटर जेट एक स्टेल्दी फाइटर जेट है और नेचुरली ये भारतीय वायुसेना के 4 और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स के सामने एक बड़ा थ्रेट पोज करता है। कुछ समय पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि आने वाले समय में वो भी एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करेंगे और ये फाइटर जेट होने वाला है FC-31, जिसको J-31 के तौर पर ऑफर किया जाएगा। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान टर्किश कान को लेकर एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन उनको ये चीज समझ में आ गई है कि इस फाइटर जेट को बनने में थोड़ा और समय लगेगा और इसी वजह से वो J-31 के साथ में जाने वाले हैं। इसके अलावा J-31 के साथ में उनको इजी पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान की है उनके लिए ये ऑप्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बदली हुई सिचुएशन के साथ में ये चीज कही जा रही है कि भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। हालांकि भारत अपना खुद का एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम इनिशिएट कर चुका है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये प्रोग्राम एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा लीड किया जाए ताकि ज्यादा एफिशिएंटली इसके ऊपर काम किया जा सके। लेकिन भारत सरकार की इस कोशिश के चलते ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और पुराने एयर चीफ मार्शल ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह चुके हैं कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी 2 साल से ज्यादा लेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन दोबारा निकल कर आ रहा है कि क्या भारत को एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से इम्पोर्ट करना चाहिए, क्योंकि थ्रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और अगर स्ट्रेटेजिक बैलेंस भारत के एनिमी की तरफ टिल्ट होता है तो वो भारत के डिसीजन मेकिंग क्षमताओं के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। वैसे यहाँ पर इम्पोर्ट के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कहने के लिए कहा जा सकता है कि भारत US से F-35 भी अक्वायर कर सकता है, लेकिन क्योंकि भारत S-400 ट्रैम्फ ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं इस वजह से भारत के पास में ये ऑप्शन नहीं है। रशियन SU-57 इस समय एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रशिया की तरफ से अभी क्लेम किया जा रहा है कि Item-30 इंजन अब बनकर तैयार हो चुका है और आने वाले सभी SU-57 इन्हीं इंजन्स के साथ में आएंगे। लेकिन क्या जिस तरीके की ट्रेड सिचुएशन भारत और रशिया के बीच में इस समय बनी हुई है उसके साथ में भारत इस तरीके का ट्रांजैक्शन कर पाएगा? रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस के चलते इस समय भारत S-400 ट्रायम्फ की फाइनल यूनिट्स की पेमेंट नहीं कर पाया है। ऐसे में SU-57 जैसे फाइटर जेट को अक्वायर करना एक कॉस्टली अफेयर होगा और उस ट्रांजैक्शन के साथ में भी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। केवल आर्ग्यूमेंट सेक के लिए यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि कोरियन KF-21 यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ऑप्शंस की बात की जाए तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। हालांकि अगर AMCA प्रोग्राम इसी तरीके से डिले होता रहा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा और शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पर KF-21 सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं उनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो एडिशनल रफाल यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की टेरेन भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर है वहाँ पर चाइना बहुत ज्यादा नंबर में J-20 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय नहीं कर पाएगा और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के पास में ब्रीदिंग स्पेस है। लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और इसी वजह से जरूरी है कि भारत सरकार इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को जल्द बनाए और AMCA प्रोग्राम को एक्सपीडाइट करें, क्योंकि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में J-31 आना शुरू हो जाएंगे तो वो भारत के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।